नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। इंस्टेंट मैसेजिंग सेवा प्रदाता व्हाट्सएप ने शनिवार को कहा है कि उसके नए अपडेट से फेसबुक के साथ डाटा साझा करने की नीतियों में कोई बदलाव नहीं आएगा। व्हाट्सएप पर फेसबुक का पूर्ण स्वामित्व है। व्हाट्सएप ने यह सफाई नए अपडेट की दुनिया भर में हो रही कड़ी आलोचनाओं के बाद दी है। व्हाट्सएप ने इस सप्ताह की शुरुआत में अपने उपभोक्ताओं को सेवा की शर्तों और गोपनीयता की नीति के बारे में अपडेट देना शुरू किया। व्हाट्सएप ने इसमें बताया है कि वह कैसे उपभोक्ताओं के डाटा का प्रसंस्करण करती है और उन्हें यानी डेटा को फेसबुक के साथ किस तरह से साझा करती है। अपडेट में यह भी कहा गया है कि व्हाट्सएप की सेवाओं का उपयोग जारी रखने के लिए उपभोक्ताओं को 8 फरवरी 2021 तक नई शर्तों व नीति से सहमत होना होगा। इसने इंटरनेट पर व्हाट्सएप के फेसबुक के साथ उपभोक्ताओं की जानकारियां साझा करने को लेकर बहस की शुरुआत कर दी। इसके बाद सिग्नल और टेलीग्राम जैसे प्रतिद्वंदी ऐप के डाउनलोड में वृद्धि देखी जा रही है। टेस्ला के प्रमुख एलन मस्क भी इस बहस में कूद पड़े और उन्होंने लोगों से व्हाट्सएप का इस्तेमाल बंद करने की अपील भी की। व्हाट्सएप के प्रमुख विल कैथार्ट ने एक के बाद एक ट्वीट करते हुए इस बारे में अपनी राय साझा की। उन्होंने कहा कि कंपनी ने अपनी नीति पारदर्शी होने और पीपल टू बिजनेस के वैकल्पिक फीचर की जानकारी देने के लिए अपडेट की है। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट होना हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि यह अपडेट कारोबार संबंधी जानकारियां देने के लिए है। इससे फेसबुक के साथ डाटा साझा करने की हमारी नीतियों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। सबसे तेज न्यूज़ डेस्क की रिपोर्ट।